चलिए पहले गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, वेलोसिटी वाला पार्ट, फिर वो कर लेंगे। तो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट समझिए पहले। कि ऐसा नहीं है कि हमें सिलेबस कंप्लीट कराने की जल्दी है, क्योंकि 6 लेक्चर वीक में है तो सिलेबस तो हो ही जाएगा, साथ के साथ क्लियर होता जाए तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश। इनिशियली बोथ फ्रेम कॉन्साइड इन एस डैश फ्रेम इज मूविंग विद वेलोसिटी वी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अभी मैं बिल्कुल सबसे सिंपलेस्ट केस ले रही हूँ वेलोसिटी के लिए और एक्सीलरेशन के लिए, ठीक है? सिर्फ एक्स डायरेक्शन, क्योंकि पहले सबसे सिंपलेस्ट करते हैं, फिर उसको तीनों डायरेक्शन में मूव करा के देखेंगे कि हमारा जो फ्रेम एस डैश है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। अभी पढ़ा हाँ मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स को इसमें डाउट आ रहा है, उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको इसलिए देख लेते हैं एक बार, है ना? करा चुकी हूँ मैं ये सब, लेकिन मैंने क्या कहा कि कंफ्यूजन हो रहे हैं कुछ पॉइंट्स पे, तो वो क्लियर करना जरूरी है। यस मैम। फिर क्या कहा कि एक पी पॉइंट है। अभी अगर मैं इसको रेस्ट में लेती हूँ, तो फिलहाल रेस्ट में ले लेते हैं, तो यू डैश विद रिस्पेक्ट टू दिस जीरो होगा, तो फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की वही वेलोसिटी होगी जो फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में है, ठीक है? दोनों को इसकी वेलोसिटी सेम दिखाई देगी, मतलब ये जनरल सा है, बट मैं अभी यहाँ लिख नहीं रही हूँ क्योंकि अभी हमने प्रूफ नहीं किया ऐसा। तो यू डैश वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश है, यू वेलोसिटी इस पॉइंट की फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में है। पी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे एक्स वाई जेड टी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश है, और फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में एस है, विद रिस्पेक्ट टू एस है, और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश है। वी वेलोसिटी से फ्रेम मूव कर रहा है, टी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वी टी। इनिशियली दोनों फ्रेम एक जगह थे, बट आफ्टर टी टाइम इतने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो वी टी डिस्टेंस ट्रेवल की। ये जो डिस्टेंस है पॉइंट की फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में है एक्स है, ये डिस्टेंस हमारी पॉइंट एक्स डैश के रिस्पेक्ट में है एक्स डैश है, तो सामने क्लियर दिख रहा है एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, ये हाइट चेंज नहीं हो रही है, तो वाई डैश इक्वल टू वाई एंड जेड डैश इक्वल टू जेड। टाइम दोनों फ्रेम में हम एब्सोल्यूट लेके चलते हैं, टी डैश इक्वल टू टी, दोनों के लिए सेम है। हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंशिएशन होता है पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी इन इक्वेशन को, वन इक्वेशन को, टू इक्वेशन को, थ्री इक्वेशन को एंड फोर इक्वेशन को। तो ये हमारा आया टी एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी अब इस वाली टर्म की बात करते हैं। यहाँ पर वी वेलोसिटी है हमारे फ्रेम एस डैश की जो कांस्टेंट है, ठीक है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, जब दो हमारे पास टर्म होती है तो पहले तो हम ये मानते हैं कि दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन अगर जो कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं तो वी का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सिर्फ टी का डिफरेंशिएशन होगा। तो जो कांस्टेंट है उसको ऐसे ही लेंगे, और डी टी बाय डी टी, डी टी बाय डी टी वन हो गया। टी एक्स डैश अपॉन डी टी, टी हमारा टी डैश है फ्रॉम इक्वेशन फोर, तो हम इसको डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी लिख सकते हैं। ये क्या है हमारा पोजीशन का टी डैश चेंज। कैसे हो गया? हाँ टी ये डैश कहाँ से? अच्छा ओके मैम।
है ना, इक्वेशन फोर से, फ्रॉम इक्वेशन फोर टी इक्वल टू टी डैश, तो हम टी की जगह टी डैश लिख सकते हैं. तो डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी माइनस पी. ये टर्म हमारी क्या बताती है, पोजिशन पी मतलब पॉइंट पी की पोजिशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एक्स डैश विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि फ्रेम एस डैश में पी पॉइंट की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में. तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया यू एक्स डैश से, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ले रहे हैं और डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, इसलिए डैश इक्वल टू. फिर ये क्या बता रहा है, एक्स डायरेक्शन में पी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, तो यानी कि ये क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस और टाइम के रिस्पेक्ट में जो पोजिशन का चेंज हो रहा है, तो यू एक्स ठीक है फ्रेम एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस वी. सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेशन टू का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई डैश अपॉन डी टी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी. मैम यू हमने इनिशियल वेलोसिटी मानी है मैम दोनों की, मैंने यू नहीं ये अभी हाँ इसको अगर हम यू हमने वेलोसिटी मानी, अभी हमें ये नहीं पता था कि एक्स डायरेक्शन में वाई में है जेड में है, ठीक है. अभी अगर जैसे यहाँ पे मैंने यू डैश इक्वल टू जीरो ही ले रखा है, तो यानी कि एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी यू डैश एक्स इक्वल टू जीरो है, तो अगर मैं इसको जीरो रखूं तो यू एक्स इक्वल टू वी हो रहा है. तो देखो तुम खुद ही सोच के देखो, अगर पैसेंजर ट्रेन में बैठा है और वो मूव नहीं कर रहा है, तो उस पैसेंजर की वेलोसिटी वही वेलोसिटी होगी जो उस ट्रेन की वेलोसिटी है, ठीक है. तो देखो ये रिलेशन यही तो दिखा रहा है कि उस पैसेंजर की वेलोसिटी वही वेलोसिटी है जो ट्रेन की वेलोसिटी है. अगर ये पैसेंजर भी मूव करने लग जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट हो जाएगी ट्रेन के लिए भी और जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है ग्राउंड उसके लिए भी, तब ये केस नहीं आएगा, ठीक है. तब ये यहाँ पे ये ऐसे नहीं आएगा, तब क्या आएगा यू एक्स डैश इक्वल टू यू माइनस वी. अब इसी की बात करते हैं, वाई की वाई को डिफरेंशिएशन किया था हमने, डी वाई डैश अपॉन डी टी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी. टी को हम फिर टी डैश लिख सकते हैं, तो डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी. ये क्या है, पॉइंट पी का चेंज वाई डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वाई डायरेक्शन में पी पॉइंट की वेलोसिटी फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में इक्वल टू, ये क्या है वाई डायरेक्शन में पोजिशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यू वाई वेलोसिटी. लास्ट फिर डिफरेंशिएशन करना है, डी जेड डैश अपॉन डी टी, इक्वेशन थ्री का डिफरेंशिएशन, डी जेड अपॉन डी टी इक्वल टू टी डैश लिख सकते हैं, डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल टू डी जेड अपॉन डी टी. सिमिलरली ये क्या है, जेड डायरेक्शन में पॉइंट पी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश, तो ये हो गया यू जेड डैश इक्वल टू यू जेड. यहां से हमने क्या देखा कि अगर हम पॉइंट पी की वेलोसिटी की बात करें, तो जिस डायरेक्शन में फ्रेम मूव हो रहा होता है उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी चेंज होती हुई दिखती है दोनों ऑब्जर्वर को, स्टेशनरी ऑब्जर्वर को और मूविंग ऑब्जर्वर को, दोनों को अलग अलग वेलोसिटी ऑब्जर्व होती है. लेकिन वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये फ्रेम मूव नहीं हो रहा है उन दोनों डायरेक्शन में दोनों को सेम वेलोसिटी दिखती है उस पैसेंजर की. सपोज अगर पैसेंजर जंप करने लगे वाई डायरेक्शन में, तो जो वेलोसिटी उसकी जंपिंग की ट्रेन में बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए है, वही वेलोसिटी जो स्टेशन पे या प्लेटफॉर्म पे ऑब्जर्वर है उसके लिए है वाई डायरेक्शन में. वाई डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी में दोनों में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, सिर्फ किस डायरेक्शन में दिख रहा है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव हो रही है उस डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी में चेंज होता हुआ दिख रहा है.
जब वेलोसिटी आ गई तो हम एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं. एक्सेलेरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, वेलोसिटी को हम दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो क्या करेंगे, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो मैं यहाँ कोने पे कर देती हूँ. ठीक है, इक्वेशन 5 को अगर मैं डिफरेंशिएट करती हूँ तो du z डैश u x डैश अपॉन dt इक्वल टू du x अपॉन dt. अब फिर से v का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी ले रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम है तो जीरो हो जाएगा. तो u x डैश अपॉन dt इक्वल टू u x अपॉन dt. t इक्वल टू डी डैश लिख सकते हैं इक्वेशन 4 से. तो यू एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल टू डी यू एक्स अपॉन डी टी. ये क्या चीज है, पॉइंट P की वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन फ्रेम S डैश के रिस्पेक्ट में. तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलेरेशन होता है, x डायरेक्शन में है तो ए एक्स, डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में है तो डैश इक्वल टू ए एक्स. सेम ऐसे ही y का करना है, ऐसे ही z का करना है. यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए वाई डैश इक्वल टू ए वाई, z वाला डिफरेंशिएशन करेंगे ए जेड डैश इक्वल टू ए जेड. तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर ओ है और ओ डैश है, दोनों ऑब्जर्वर के लिए वेलोसिटी में तो चेंज दिख रहा है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलेरेशन एक्स डायरेक्शन में भी दोनों ऑब्जर्वर को सेम ऑब्जर्व हो रहा है, भले ही दोनों ऑब्जर्वर के लिए इस पी पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग हो, लेकिन एक्सेलेरेशन सेम है. और बाकी दो अदर डायरेक्शन की बात करें, जिस डायरेक्शन में हमारा फ्रेम मूव नहीं हो रहा, उन डायरेक्शन में तो वेलोसिटी भी सेम ही है दोनों ऑब्जर्वर के लिए. ठीक है, हाँ बताइए. मैम जब हमने इक्वेशन 5 को डिफरेंशिएट किया तो वहां पर ए भी तो आएगा. क्या आएगा, ए मैम माइनस का डीवी ओवर डीटी. बिल्कुल, मैं डीवी बाय डीटी करती, लेकिन मैंने कई बार बोला वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है. हम क्या लेके चल रहे हैं, जो हमारा फ्रेम एस डैश है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए नहीं आ रहा है. ये हमने किसका केस लिया, जब हमारा फ्रेम एस डैश एक डायरेक्शन में मूव हो रहा था. अब अगर हमारा फ्रेम एस डैश तीनों डायरेक्शन में मूव होने लगे तो ये केस चेंज हो जाएंगे. पहले यहां तक बताओ, यहां तक कुछ डाउट है तो करते हैं, नहीं तो फिर वाली फिगर भी बना के एक बार कर लेते हैं. नो मैम, नो. हाँ बताइए क्या दिक्कत है. किसको प्रॉब्लम है, आरजू बताइए. तो इसमें मैं हमारी गैलीलियो सारे डाउट हो गए क्लियर. हाँ कृष्णा बताइए क्या कह रहे हैं. मैम हम लोगों ने इतनी सारी इक्वेशंस बताई, इसमें मैम है कौन सी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो अब डिपेंड करता है कि आपसे किसके लिए पूछा जा रहा है, पोजीशन के लिए पूछा जा रहा है तो एक्स वाई जेड टी वाली है, वेलोसिटी के रिलेशन में पूछा जा रहा है तो फिर वेलोसिटी वाली आ जाएंगी, एक्सेलेरेशन भी पूछा जा रहा है. तो हम लोगों ने जितनी भी ये क्वेश्चंस ड्राइव करी यही वेब गैलीलियन पेपर में अगर पूछा जाए तो हम लोग को यही डेरिवेशन कर देना है. हाँ जी बिल्कुल, यही डेरिवेशन करना है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. पहले पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फिर वेलोसिटी के निकालने हैं, भले ही वो क्वेश्चन में लिख रहा हो कि शो दैट वेलोसिटी इज वेरिएंट एंड एक्सेलेरेशन इज इनवेरिएंट या ना लिख रहा हो, हमें वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन तक निकालना है. ठीक है, और वो आपके ऊपर है कृष्णा कि आप वेलोसिटी को सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव करा रहे हो, वाई में मूव करा रहे हो, जेड में मूव करा रहे हो, या ऐसे मूव करा रहे हो कि वो तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहा है, ये आपके ऊपर है, ये नहीं पूछा जाता एग्जाम में. ठीक है, लेकिन नॉर्मली सब एक्स डायरेक्शन में लिखते हैं क्योंकि सिंपल वही पड़ता है. हाँ अंकित बताइए. मैं ये बोल रहा हूँ, जब 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो फिर ये मतलब ये क्या करना है, डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, वही तक लिख देनी है बस, x डैश इक्वल्स टू x माइनस vt, ये चारों इक्वेशन.
चारों इक्वेशन लिख के नहीं, आपको वेलोसिटी भी 2 मार्क्स में नहीं आएगा अगर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आएगा अकेले, है ना, ड्राइव करने के लिए आएगा फिर तो लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा। हाँ तो ड्राइव के फिर तो लिख देंगे, हाँ फिर लिखना पड़ेगा, ड्राइव करने के लिए आएगा, 2 मार्क्स में गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ड्राइव नहीं कराएगा। चलिए सब सभी, हाँ इसका नेक्स्ट पार्ट करें या फिर वो भी क्लियर है वेलोसिटी वाला पार्ट की, अगर तीनों डायरेक्शन में मैं लिखूं तो तीनों डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। क्लियर है मैम, और आर वेक्टर, आर वेक्टर लेके कर देंगे। हाँ आर वेक्टर लेके कर सकते हैं, चाहे एक्स वाई जेड लेके वेलोसिटी को वी एक्स वी वाई वी जेड लेके कर लेंगे, सेम यही प्रोसेस है, है ना। अब इसमें जो एक और डाउट आ रहा था वो और क्लियर कर देते हैं, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर रही हूँ स्क्रीन को। अब एक स्टूडेंट ने ये पूछा कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करें कि इनवर्स यूज करें। गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई। जब क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम मान के चलते हैं कि x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन होगा कि किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है। t डैश इक्वल टू t, अगर देगा कि इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, नॉर्मली हम x डायरेक्शन में ही कंसीडर करते हैं। और ये क्वेश्चन भी क्यों आया, क्योंकि लिखने में अंतर आ जाता है, आंसर भले ही गैलेनियन के केस में दोनों में सेम आता है, इनवर्स होती है। x equal to x dash minus vt dash minus plus 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 vt ना, x equal to x dash plus vt dash, y equal to y dash, z equal to z dash, t equal to t dash। तो एक स्टूडेंट का कहना था कि मैम दोनों से आंसर तो सेम आएगा, सपोज क्वेश्चन में x दिया है और v और t दिया है, तो अगर मैं इससे निकालूं x dash तो भी वही वैल्यू आएगी, इससे निकालूं तो भी वही वैल्यू आएगी, तो हम ये क्यों अलग लिख रहे हैं कि हमें गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है कि इनवर्स यूज करना है। तो उसका रीजन ये है, भले ही गैलेनियन के अंदर सेम आ जाता है क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में और बाकी कोई नोटेशन चेंज नहीं है, सिर्फ इस टर्म को अगर इधर ले जाएं तो माइनस में हो जाएगा और इस टर्म को अगर हम इधर ले जाएं तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे भले ही आंसर सेम आता है लेकिन हम कंसेप्ट को गलत नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में एक्स वी और टी दिया है, एक्स डैश पूछा है, तो उस केस में हम गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करते हैं, और क्वेश्चन के अंदर एक्स डैश v और t दिया है, t तो दोनों के केस में यहाँ पे सेम ही है, तो उस केस में हम x कैलकुलेट करते हैं। गैलेनियन में तो क्योंकि आंसर दोनों केस में सेम आ जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ। x डैश इक्वल टू होता है x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जबकि x हमारा क्या होता है, मैंने आपको लिखना भी सिखाया था कि इनवर्स कैसे लिखते हैं, जो डैश होता है उसको अनडैश कर देते हैं, अनडैश को डैश बना देते हैं, माइनस वी की जगह प्लस वी ले लेते हैं, ठीक है, अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो देखो अगर यहाँ पर मैं ऐसे करूंगी कि मुझे एक्स डैश दिया है, ठीक है, और वी और टी दिया है, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करके एक्स कैलकुलेट करना चाहूंगी और यहाँ से जो एक्स कैलकुलेट करना चाहूंगी, दोनों अलग अलग आएंगे, सेम नहीं आएंगे। तुम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई में जा रही है, ठीक है, यहाँ पर मतलब एक्स डैश के साथ मल्टीप्लाई में जा रही है, जबकि यहाँ पे इस टर्म को ये डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो लॉरेंज के केस में वो उल्टा हो जाएगा, आंसर नहीं मैच करेंगे फिर आपके। तो हमेशा कंसेप्ट ध्यान रखिए कि हमें कौन कौन सी क्वांटिटी गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हम गैलेनियन या इनवर्स गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। अगर हमें x डैश t डैश दिया है, मतलब t x डैश दिया है, तो हम इनवर्स गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालेंगे क्योंकि हमें x y z पूछा होगा, और अगर हमें x v और t गिवन है तो उस केस में हमें x डैश y डैश t डैश पूछा होगा, तो हम गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन
करेंगे. तो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन कराया था उसके अंदर हमने इनवर्स गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज की थी, हमें एक्स वाई जेड पूछा था, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश गिवन था. आज जो हम न्यूमेरिकल करेंगे बताइएगा उसमें कौन सा यूज होगा. तो अब इसको कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं. तो पहले ये सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है, सेम वेलोसिटी का है. अ बॉल हैज वेलोसिटी 4i माइनस 5j प्लस 10 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ट्रेन मूविंग विद वेलोसिटी 3i प्लस 4j मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू ग्राउंड. मैम इसका आंसर बताएं. मैम इसका 7j माइनस j प्लस 10k. यस हाँ सबका आंसर 7i माइनस j प्लस 10k. देखिए सबका आ रहा है. क्या दिया है, बॉल की वेलोसिटी दी है. ठीक है तो मतलब u या u डैश दिया है रिलेटिव टू ट्रेन. तो मतलब हमें u डैश गिवन है. वेलोसिटी ट्रेन की दी है मतलब हमें v गिवन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉल हमें u पूछा है. तो u डैश इक्वल टू होता है u माइनस v. ठीक है हमें u डैश पूछा है तो यानी हमें इनवर्स यूज करना है. तो u इक्वल टू u डैश प्लस v. तो u हमें निकालना है, u डैश हमें दिया है और v हमें दिया है. तो u डैश है हमारा 4i माइनस 5j प्लस 10k प्लस v हमें दिया है 3i प्लस 4j. सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा. तो जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया मैं u डैश कौन सा है v कौन सा है. अभी मैं बता रही हूँ, फिर से बता रही हूँ मैं यही चीज. तो क्लियर करने के लिए दोबारा न्यूमेरिकल करें. क्या लिखा है, बॉल है. ठीक है तो मतलब पी पॉइंट मान लेते हैं. हैज वेलोसिटी तो इसकी वेलोसिटी या तो यू होगी या यू डैश होगी. अब ये यू है कि यू डैश है तो देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है. रिलेटिव टू ट्रेन, ट्रेन है हमारा मूविंग. मूविंग को हम किससे लिखते हैं, एस डैश से. तो एस डैश के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दी है तो इसलिए इसने हमें यू डैश दिया है. ठीक है मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं तो यू डैश दिया है. ट्रेन किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है. ऑब्जर्वर किस पे है, ग्राउंड पे. तो ग्राउंड क्या हो गया हमारा फ्रेम, स्टेशनरी है, एस फ्रेम हो गया. ठीक है फिर बॉल की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो मतलब यू कैलकुलेट करना है रिलेटिव टू ग्राउंड. ग्राउंड क्या है हमारा, एस फ्रेम है. तो एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हम यू लेते हैं. मैंने जब ये लिखवाया था एक्सप्रेशन तब भी बोला था कि आप देखो इसमें कौन सी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है. दो वेलोसिटी यहाँ हमारी स्टेशनरी यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है और एक वेलोसिटी हमारे मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में है. तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी कौन कौन सी है, वी और यू. वी वेलोसिटी फ्रेम की है जो मूविंग फ्रेम है यानी एस डैश के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है. यू वेलोसिटी जो भी हमारा पॉइंट होगा या पैसेंजर होगा ट्री जो भी होगा बॉल होगा उसकी वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर है ना. तो यहाँ पे मैं बॉल लिख देती हूँ, ये बॉल की वेलोसिटी हो गई, ये फ्रेम एस डैश की वेलोसिटी हो गई विद रिस्पेक्ट टू. दोनों किसके रिस्पेक्ट में है ये वेलोसिटी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. और हाँ यू डैश वेलोसिटी क्या है हमारी, बॉल की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम यानी कि एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में. ठीक है मतलब ट्रेन हो गई, बॉल, बस हो गई या कोई और ऑब्जेक्ट दिया होगा, मूविंग शिप हो गया, शिप वाला क्वेश्चन भी कराया था मैंने. तो जो भी मूविंग फ्रेम होगा उसके रिस्पेक्ट में इस बॉल की वेलोसिटी होगी. ठीक है तो हाँ जी बताइए मैम आपने बॉल की वेलोसिटी यू डैश क्यों ली है, यू क्यों नहीं ली हो. नहीं अगर मैं तो यू ले लूंगी लेकिन फिर नोटेशन में आपको ही कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि कौन सी किसके रिस्पेक्ट में है. हमने तो सिंपल सा एक सिंपल सा रूल बनाया है सॉल्व करने के लिए कि डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में डैश वेलोसिटी ले लेते हैं, अनडैश के रिस्पेक्ट में अनडैश ले लेते हैं. आप कोई और नोटेशन भी यूज कर सकते हैं, बस उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप खुद ही कंफ्यूज कर सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में. मैम जैसे मैम मूविंग है तो मैम यू डैश
ले सकते हैं, जैसे मैं मूविंग के साथ डैश, मूविंग के साथ ही मैंने डैश लिया है, है ना, मैंने तो सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए लिया है। आप डैश की जगह इसके नीचे एम लगा सकते हो कि मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, ये तो नोटेशन आपको यूज करनी है। क्या करो, यू एम की मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में है, यू एस स्टेशनरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में है, या कोई और नोटेशन यूज कर सकते हो, यू जी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है और ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। नोटेशन डोनेट, हाँ ये तो सिर्फ आपको नोटेशन यूज करने के लिए है कि यू डैश मैंने डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लिया है और मैंने यू वेलोसिटी एंड डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में लिया है, तो नोटेशन आपके ऊपर है कि आप कैसा नोटेशन यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यू हमारा कितना हो जाएगा, 7i प्लस जे माइनस माइनस जाएगा, माइनस जाएगा, माइनस जे प्लस टेन के, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और मैम टाइम आप ये वाला क्वेश्चन करिए, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सोचना पड़ेगा आप, है ना, ये भी सिंपल है, ये भी बिल्कुल सेम वैसे है ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 7i माइनस j प्लस 9k जाएगा भाई, फार्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा, 7i प्लस j प्लस 9k प्लस 10k प्लस 9k प्लस 7i प्लस j प्लस 9k ऐड कोने लिए तो कितना हो गया, 7i प्लस जी प्लस 9k। अब इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, देखिए अब इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना समझ में आ रहा है। जिसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैं पहले बता रही हूँ, वो सिर्फ मैंने इसलिए दिया है कि कितना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है समझने के लिए। अगर किसी को नहीं समझ में आया न्यूमेरिकल तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, लेकिन इसको करने की कोशिश करिए। हाँ म्यूट करिए, मैं म्यूट कर रही हूँ सबको, रुकिए। अ पैसेंजर इन अ ट्रेन मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड पासेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशन प्लेटफॉर्म एट t=t-0 20 सेकेंड आफ्टर द ट्रेन पासेस हिम द मैन ऑन द प्लेटफॉर्म डिटरमाइंस द बर्ड फ्लाइंग अलोंग द ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन in 800 meter away. What are the coordinate of bird as determined by the passenger? तो अब इसमें पहले तो ये चेक करना है कि आपको किसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, किसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, प्लस बाकी तो टाइम और वो तो पहले सभी को दिख ही रहा है, कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, ठीक है। अब किसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स गिवन है और किसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो पहले तो ये समझना है। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। अ पैसेंजर इन ट्रेन, ट्रेन में पैसेंजर है, मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड पासेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन स्टेशन। दो पैसेंजर, दो मैन है हमारे, हम उनको ऑब्जर्वर भी कह सकते हैं, ओ एन ओ डैश, एक ट्रेन में है और एक प्लेटफॉर्म पे स्टैंड किया हुआ है। जो ऑब्जर्वर ट्रेन में है वो मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि ट्रेन की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। 20 सेकंड आफ्टर द ट्रेन पासेस हिम अ मैन ऑन अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे जो मैन है यानी कि स्टैंडिंग या ग्राउंड पे जो है स्टेशनरी जो ऑब्जर्वर है, डिटरमाइंस द बर्ड फ्लाइंग अलोंग द ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। बर्ड को देखा जो सेम उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिस भैया तो वो दे दो मुझे, हाँ यहाँ पे पानी नहीं मांगो, म्यूट करके मांगा करो भाई। ठीक है, तो उसने क्या देखा, एक बर्ड देखी जो ट्रैक पे ही, ट्रैक जिस पे ट्रेन चल रही है उसी ट्रैक पे मूव कर रही है, फ्लाई कर रही है, और
किस ऑब्जर्वर से 800 मीटर अवे है, जो प्लेटफॉर्म पे ऑब्जर्वर है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बर्ड एज डिटरमाइन द पैसेंजर, तो पैसेंजर के अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। चलिए सॉल्व करिए और मुझे बताइए। मैम 630 मीटर पर सेकंड। पहले तो कोऑर्डिनेट्स हैं तो मीटर पर सेकंड नहीं होगा। सॉरी सॉरी, पहले तो इस चीज को इमेजिन ही करना है आपको दिमाग में, अदरवाइज तो फिर नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। करिए और बताइए, नहीं तो फिर मैं कराऊंगी। करा दो, मैं बोले नहीं हो रहा। कोई और नहीं हुआ? चलो मैम चलिए फिर अब पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। पैसेंजर है ट्रेन में, ट्रेन मूव कर रही है तो वी गिवन है 30 मीटर पर सेकंड। क्या कह रहा है कि ट्रेन ने पास किया x कोऑर्डिनेट माइनस 200 मीटर, 200 मीटर आएगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन माइनस में क्यों आ रहा है तुम्हारा? मैम 200 मीटर तो आया है, 100 मीटर आएगा, माइनस में नहीं है 200 मीटर। जिसका 200 मीटर है वो ठीक आंसर है। तो क्या कह रहे हैं, t इक्वल टू t डैश इक्वल टू 0 पे दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, पैसेंजर और मैन। ट्रेन हमारी मूव कर रही है तो कुछ टाइम बाद फ्रेम एस डैश यहाँ पर आ गया, तो ये पैसेंजर यहाँ पहुंच गया। एक बर्ड है जो मूव कर रही है, अब वो किस जगह हमें नहीं पता, फिलहाल हम मान लेते हैं इधर कहीं बर्ड आ गई है, तो बर्ड को बी से डिनोट कर रही हूँ। जो बर्ड्स के कोऑर्डिनेट हैं फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में, उसको कितना दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसको दिखाई दे रहा है 800 एक्स डायरेक्शन में ट्रैक पे। Y में उसने बात नहीं की, Y में 0 ले लेते हैं फिलहाल, और Z में भी 0 ले लेते हैं, उसी ट्रैक पे बिल्कुल उड़ रही है जिस डायरेक्शन में हमारी ट्रेन मूव कर रही है। तो पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद, कितना टाइम दिया होगा इसने, हाँ 20 सेकेंड आफ्टर, जब ये आगे मूव कर रहा था V वेलोसिटी से, तो आफ्टर T इक्वल टू 20 सेकेंड कि जिस टाइम ये यहाँ पर पहुंच गई थी ट्रेन 20 सेकंड बाद, जब ट्रेन ने उसको पूरा पास कर लिया था, उसी टाइम उसने एक बर्ड को देखा जो 1800 मीटर उससे दूर है। तो ये पूछ, ये डिस्टेंस क्या दिए हमें, x दिया है, और हमें x यानी कि इसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, तो हमें कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि हमें x डैश पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी, एक्स डैश इक्वल टू x है 800, v है हमारा 300 मीटर पर सेकेंड। सही किया मैंने यार, t हमारा 20 सेकेंड, तो ये हमारा हो गया 600, और इसमें से माइनस करेंगे तो 200 मीटर। यस मैम, एग्जैक्ट। अब 20 सेकेंड है तो 200 मीटर है, ये टाइम देखो चेंज करते जाओ, तो अभी क्या है यानी कि ट्रेन अभी
वर्ड को पास नहीं किया है, तो जैसे जैसे ये टाइम बढ़ाओगे ये कोऑर्डिनेट इधर शिफ्ट होता जाएगा, है ना। भले ही बर्ड मूव कर रही है लेकिन उस वेलोसिटी से मूव नहीं कर पाएगी जिस वेलोसिटी से ये फ्रेम मूव कर रहा है। तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये कोऑर्डिनेट माइनस में भी होने लगेगा। माइनस का मतलब ये है ट्रेन आगे रह गई, कोऑर्डिनेट वो जो हमारा पी पॉइंट है वो पीछे रह गया, ठीक है। तो ये इससे थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, बाकी तो इसके सारे सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। यस मैम। नहीं तो गैलेनियन मेरे अकॉर्डिंग पूरा हो गया, हमने इसको रिपीट भी कर लिया है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी काफी कर लिए हैं, और फिर माइकलसन मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे तुम टाइम का कोऑर्डिनेट भी ले सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल शीट्स नहीं मिलेंगे अभी, ऐसे न्यूमेरिकल्स हुए नहीं, जो न्यूमेरिकल्स है वो मैंने क्लास में कराई दिए हैं, जो अलग से न्यूमेरिकल्स होंगे, और जैसे जब हम टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रेक्शन में आ जाएंगे तब मैं सिर्फ क्लास में 3-4 न्यूमेरिकल ही लेंथ कॉन्ट्रेक्शन की कराऊंगी, तो बाकी जो उसके न्यूमेरिकल्स हैं वो आप ट्यूटोरियल शीट से करोगे। मैम ये जो क्वेश्चन था, शो दैट द इनिशियल फ्रेम मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू ईच अदर, अगर इसमें एक्सीलरेशन और वेलोसिटी को जीरो कर दे तो ये कांस्टेंट प्रूव हो जाएगा ना। हाँ यही तो कर रहे हैं, देखो इसमें अभी, अच्छा ये वाला क्वेश्चन रह गया, मैं अभी रुको, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस मैम। यहीं पे इसमें यहीं पे कर लेते हैं, हमें प्रूफ करना था कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, प्रूफ करिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो हम कहाँ से लेके चलेंगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है। तो एम dv by dt equal to zero, m mass है, constant होता है, तो या तो ये zero होगा या dv by dt zero होगा, तो mass तो body का zero हो नहीं सकता है, तो dv by dt equal to zero, और ये zero कब होगा, जब v constant होगा, है ना। तो हम क्या लेके चलेंगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है, तो एफ इक्वल टू जीरो दिखाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे और वी इक्वल टू कांस्टेंट दिखा देंगे, मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। हेलो। हाँ अंकित बोलिए। आप सुनाई पड़ रहा है मैम आपको? हाँ आप ठीक कर रही है आवाज, बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि dv by dt जब जीरो आ गया तो फिर भी कांस्टेंट, मतलब वो लिखेंगे तो वहीं तो वो पूछ रहे हैं जो जिन्होंने पूछा अभी, उससे बढ़िया उसको एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे, एक्सेलरेशन से सीधे वेलोसिटी आ जाएगी और जीरो लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे हो गया। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ अंकित अब बताइए, मेरा नेटवर्क इसमें चला गया था, बताइए dv by dt के लिए क्या कह रहे थे आप? तो कुछ नहीं, मैं ये बोल रहा था कि जब dv by dt आपने लिखा है जीरो, उन्होंने मतलब जिसने प्रश्न पूछा है ना कि मतलब भी कैसे कांस्टेंट है, कांस्टेंट है वो, तो फिर अब आई गया कांस्टेंट है कि अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v इक्वल कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आदर्श बताइए आपको क्या पूछना है। ओ मैम चलिए ठीक है, तो आजकल